में वो अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। जो मैं भी ये सोच रही थी कि मैं भाई साहब से, नफे सिंह जी राठी से आग्रह करूंगी, मेरे मन में बहुत दिन से था कि कुछ जगह पे हमारे पास साधन संपन्न कार्यकर्ता हैं, कहीं पे हमारे पास, उनके पास मनुष्य तो बहुत ज़्यादा हैं, उनका संगठन में काम भी बहुत है, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश फाइनेंशियल रूप में अपने आप को एक थोड़ी वीकनेस महसूस करते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि हर हलके में जो हमारे पास साधन संपन्न है, उनसे ये आग्रह हो कि वो अपने साथ जो मजबूती प्रदान कर सकते हैं ग्राउंड पे जाके, उनको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प बकायदा वो भाई साहब के नॉलेज में हो, और बकायदा उनके पास एक रजिस्टर हो कि कितने हमने उनका काम का ब्यौरा होना चाहिए पूरा, कि कितने लोग हमने जोड़े हैं, उनका एड्रेस फ़ोन नंबर रजिस्टर में उनके पास दर्ज होना चाहिए। तो उस तरीके से हम कहते हैं ना, पैरलर दोनों पहिए गाड़ी के बराबर चला सकेंगे, एक के पास संगठित करने की क्षमता है, एक के पास पैसे की क्षमता है, तो हम यदि दोनों को मिला के यूज़ करेंगे तो हमारी पार्टी बहुत जल्द ऊपर आ जाएगी। दूसरा मेरा एक और सुझाव है कि जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं महिलाएं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि जो आज मीटिंग में आए हैं वो मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं और मैं उनका हमेशा आदर करती हूँ, लेकिन जो मीटिंग में नहीं आई हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी के एजेंडा नहीं पता चलेंगे, जो हम बदलाव चाहते हैं वो पता ही नहीं होगा, तो काम कैसे कर पाएंगे। कि जो मीटिंग में नहीं आई हैं उनसे या तो कारण बताओ होना चाहिए कि वो कारण बताएं, अगर जेन्युइन कारण नहीं है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है वो इस पद को छोड़े, ताकि हम काम करने वाली महिलाओं को आगे ला सकें। वहीं कुछ पार्टी में जो मैंने एक बात नोटिस की है कि जो हमारे ग्राउंड पे, जैसे कि कोच साहब ने बताया कि ग्राउंड पे जो काम करने वाले हैं जिनके पास, उनके लिए हमें एक कहते हैं, कुछ बच्चा भी जब स्कूल में जाता है तो वो होमवर्क इसलिए करता है कि मैडम गुड देगी, तो हमारे पास ऐसी भी एक योजना होनी चाहिए, एक कैटेगरी होनी चाहिए कि जिस तरीके से मेरिट के स्टूडेंट्स की, उसके बाद जो नॉर्मल है उनकी, तो डायमंड में हमारे वो आने चाहिए जो हमारे हीरा हैं, और उसके बाद गोल्ड और उसके बाद सिल्वर, हर, ताकि हमारे अंदर एक कंपटीशन रहे कि हम उस डायमंड तक पहुंचे, कि हमने इस महीने में कितने लोगों को जोड़ा है, और ये रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए, जो भी मीटिंग हो उसका रजिस्टर हमारे पास ज़रूर होना चाहिए कि कौन मीटिंग में आए हैं और कौन मीटिंग से नदारद है, ताकि वो हम स्टडी कर सकें। और एक सुझाव और है कि हल्का वाइज, जैसे हमारी प्रदेश की मीटिंग है, उससे पहले हल्का वाइज मीटिंग बहुत आवश्यक है, ताकि हल्के के जितने भी लोगों की कोई शिकायत है या कुछ है वो हम वहीं पे दूर करके, उसके बाद जो प्रदेश में मीटिंग लें तो उसमें हम अपने जो ऐलान है वो लागू कर सकें। तो मेरा यही सुझाव है, और मेरी आप सब से प्रार्थना है कि बड़ौदा के चुनाव में आप ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि बड़ौदा का चुनाव, मैं जहाँ पे गई मैं फख्र से कहती हूँ कि हर एक ने बोला कि आपके पास चौधरी अभय सिंह जैसा लीडर है। हर पार्टी ये चाहती है कि चौधरी अभय सिंह जी जैसा लीडर हमारे पास हो, जो विधानसभा में बोले तो विपक्षियों के पसीने आने चाहिए।